थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ईदगाह रोड स्थित राव मसीउल्लाह के आवास पर आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के राव मसीउल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने चौधरी परविंदर को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सम्मान समारोह में बोलते हुए चौधरी परविंदर ने कहा कि मुस्लिम समाज ने जो सम्मान मुझे दिया है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के रास्ते पर चलकर इस इत्तेहाद को मजबूत करने का काम करूंगा। देवबंद से अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मोहम्मद तेजी, प्रोग्राम क्या गया यहाँ पर, क्या प्रोग्राम है? आज चौधरी परविंदर कुमार जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवबंद हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के बेमिसाल शख्सियत के मालिक हैं, हमारे बड़े भाई को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो इत्तेहाद है, इसकी जो मशाल देवबंद से चली आई है पहले से, वो आगे तक चलती रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू भाई और मुसलमान भाई साथ मिलकर रहते हैं। हिंदू भाई बड़े भाई की भूमिका में है, जबकि मुसलमान छोटे भाई की भूमिका में है। कि बड़े भाई को चाहिए छोटे भाई का ख्याल रखे और छोटे भाई को चाहिए बड़े भाई का आदर और सम्मान करे, तभी हमारे हिंदू मुसलमान की इत्तेहाद जो लगा रहा है मजबूत होगा और भाईचारा जो भाजपा ने ख़त्म कर दिया है वो भाईचारा बरकरार रहेगा। राव साहब, आज चौधरी साहब परविंदर चौधरी साहब को आज सम्मानित किया गया, क्या मामला है? आज ये जो हमने आज कार्यक्रम रखा है, ये एक भाईचारे के जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको और मजबूत करने के लिए रखा है। और इस अवसर पर जो हमारे देवबंद से जो संस्थापक है शेख उल हिंद के, जो खान का शेख उल हिंद के संस्थापक जो है मुफ्ती असद काजमी साहब को भी हमने बुलाया है, और हमारे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और गन्ना समिति के चेयरमैन रहे हैं, हमारे बड़े भाई परविंदर कुमार जी, चौधरी परविंदर कुमार जी, जो तो लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए ये एक ऐसी जड़ें हैं जहाँ से हिंदू मुस्लिम को मजबूत होने का जो एक शेर जाता है, जो मैसेज जाता है, वो मैसेज हमको पहुंचाना है और हमको बताना है कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत मजबूत है, और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी हम हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कायम रखेंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम का मैनिफेस्टो था। मुफ्ती साहब, आज सम्मानित किया गया चौधरी साहब को, क्या मामला है? देखिए, हमारे चौधरी परविंदर जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं पहले, और तमाम ही जिले के हमारी तमाम ही ये जनता जानती हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। हमेशा हिंदू हो या मुसलमान हो, जब भी किसी पर दुख भरी या कोई संकट आता है तो हमारे परविंदर जी हैं हमेशा उनके कदम से कदम मिलाकर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। आज हमने उनकी इसी एकता को देखते हुए उनको सम्मान देने का फैसला किया और आज उनको जो है सम्मान से नवाजा गया है, और हम ऊपर वाले से ये भी कामना करते हैं, हम इनको आने वाले विधानसभा में विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर वाले से कामना है, दुआ है कि ऊपर वाला जो है हमारी इस दुआ को कबूल करे और परविंदर जी को जो है अच्छा रखे, खुश रखे और हिंदू मुस्लिम एकता को और आगे बढ़ावा देने का काम करे। चौधरी साहब, सम्मानित किया गया आपको, किस लिए किया गया है? राव साहब और सभी मेरे साथियों ने प्रोग्राम रखा है, ये जो आज देश में दो भाइयों को बांटने का काम किया गया उस विषय में प्रोग्राम रखा, इसमें उन ताकतों को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम दो भाई हैं, हिंदू मुस्लिम पहले से थे, आज हैं और रहेंगे। इस देश में गंगा जमुना जमुनू जो तहजीब है वह है और रहेगी, उसी से हमें यहाँ रहना है, उसी के आधार पर ये देश चलेगा, उसी से हमारी तरक्की होगी। आज जो देश को बांटने का काम किया जा रहा है, इससे तरक्की नहीं होगी, तरक्की एक साथ चलकर देश का विकास हो, देश के विषय में सोचा जाए, इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा। मैं इन सबका आभारी हूँ, और जो जिस लायक मुझे आज इन सब भाइयों ने मेरे मित्रों ने समझा, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, और इस गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाने में मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा तैयार रहूँगा। इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं हमेशा तैयार हूँ, तैयार रहूँगा।